नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टा खान। दो तीन दिनों से नहीं आया, तब खराब थी। रविवार को संध्या कुछ ज़्यादा उलट पुलट हो गया, से दो दिनों तक मैं नहीं आ पाया। और आज 30 तारीख है महीने का, आज अंतिम दिन इस महीना का अवसान हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई, नवंबर महीना जाते जाते इसमें मंगल अपने भयानक स्थिति कन्या से निकल करके तुला में आ गए। और मंगल की जो तपिस थी, जो गर्मी थी, जो झंझट था, जो एक्सीडेंट था, जो आगजनी थी, जो मारपीट था, जो जितनी दुष्टता थी, वो सारी चीज़ें शांत हो गई हैं। ये बड़ी बात हुई है। और अभी इस साल तो संभव नहीं, अब अगले फिर कभी होगा, अभी नहीं, ये समस्या मिट गई। सो बहुत सारी सद्भावनाएं, अच्छी भावना, गुड सेंस विल प्रिवेल इन लॉट ऑफ पीपल। लेकिन चूंकि मंगल का ही बोल रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगले जून तक, 2018 के जून तक राजनीतिक स्थिति अपने देश की भी बहुत अस्त व्यस्त रहेगी। खास करके पब्लिक तो परेशान रहेगी, परेशान रहेगी। फिर दो महीने के लिए ठीक रहेगी, उसके बाद फिर वही स्थिति बन जाएगी। कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति होती है, जब हम लोग वर्षा, नया साल जो चैत नवरात्र होता है ना, उस दिन की कुंडली बनाते हैं, तो उससे मालूम हो जाता है कि आने वाले 12 महीने तक क्या स्थिति रहेगी। आप लोग अपना वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिएगा, कारण तो मैं थोड़ा स्लो साउंड में ही बोल रहा हूँ। तो आज शुक्ल पक्ष का एकादशी है, आज का दिन गुरुवार, बहुत बढ़िया। मंगल निकल गए, बहुत बढ़िया। तिथि एकादशी, ये भी शुभ है। नक्षत्र रेवती का है, ये 27वां नक्षत्र है, योग व्यतिपात का है। तो पांच पंचांग के 5 अंगों में से 3 अंग ठीक नहीं है, योग और चंद्र की स्थिति, ये ठीक नहीं है। 27वां में पड़ गए चंद्रमा, तो अश्विनी का फर्स्ट पार्ट और रेवती का लास्ट पार्ट जुट रहा है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कुछ दिन पहले। तो 27वां में जो बच्चे जन्म लेंगे, और यदि अश्विनी नक्षत्र है तो उनको अधिक, रेवती नक्षत्र में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको थोड़ी कम तकलीफ होगी। आज जितने बच्चे जन्म ले रहे हों, सभी के सभी 27वां नक्षत्र में जन्म लेंगे। और कल जो बीत गया उसमें भी जो बच्चे जन्म लिए 27वां नक्षत्र में ही थे। बहुत छोटी सी पूजा भी करवा दीजिए, कम से कम तुला दान करवा दीजिए, उसमें एक चांदी का चंद्रमा रख करके, और पंडित जी को कहिए कि चांदी का एक पहना देंगे गले में, दो चांद मंगा लीजिए, आप मिलता है बाजार में। इतनी छोटी सी भी, जो लोग अशक्य हैं, देखिए राजा से लेकर रंग सभी का जन्म इस नक्षत्र में हो सकता है, और सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। जिनको कोई सामर्थ्य नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी कर लेंगे तो हो जाएगा, वजन के बराबर दान। छोटा नवजात शिशु है, कितना, 3 किलो होगा, 3 किलो अनाज सीधा, दाल नमक छोड़ करके वो, और दो यदि चांदी का टुकड़ा है तो एक चांदी का टुकड़ा दे दीजिएगा, एक चांदी का टुकड़ा पंडित जी बच्चे को ही उसके कपाल में सटा देंगे, कुछ करेंगे। और आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, लिहाजा आज दिन भर के लॉर्ड बुध रहेंगे, सारे दिन के स्वामी भगवान बुध है। ग्रह में जो सूरज के साथ सटे हुए रहते हैं बुध हुआ है, इसलिए आकाश के 3 ग्रह गुरु, मंगल और सूरज आज थोड़े से कमजोर पड़े जाएंगे। तो सूरज के
गुरु के तीन नक्षत्र हुए पुनर्वशु विशाखा पूर्वा भाद्रा में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय आज 10% कमजोर है, और मंगल के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल के तीन नक्षत्र हुए वृक्षिरा चित्रा और धनिष्ठा, इसमें जिनका जन्म है उनके लिए आज के दिन 20% कमजोर है, और सूरज के तीन नक्षत्र हुए कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए आज का दिन 30% कमजोर है। प्लीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यदि कहता हूँ कि 30% दिन कमजोर है तो 70 पैसा दिन अच्छा है ये मत समझ लीजिएगा, ये भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये दिन आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। सो जो अच्छा नहीं है वो बोलता हूँ उसी को पकड़िए आप, अदर पार्ट की बात मत सोचिए। अदर पार्ट के लिए आप, मैं जो राशिफल बोल रहा हूँ उसमें अनुकूल बना लीजिएगा। सो मैं अष्टक वर्ग वगैरह सारा चीज़ डाल के ही बात करता हूँ। सो यू आर गेटिंग ए कम्प्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट इन दिस। और ये कुछ खराब है तो पीपल गाछ में पानी पटाना है, या पीपल के गाछ के नीव से कुछ दीपक जला देना है, इसी कोई बात में टुटके की बात नहीं करता हूँ, सिंपल बात बोल रहा हूँ। चंद्रमा के अभी मीन में होने के कारण मेष नक्षत्र, आपका मेष नक्षत्र है, आपके कुंडली में एक नंबर में चंद्रमा है, तो आपका चंद्रमा द्वादश भाव में है, 12th हाउस में है, तो थोड़ा आज भाग दौड़ ज़्यादा लग सकती है उत्तर दिशा की और नॉर्थ साइड में, मे बी इन ए गुड सेंस। ये है चौथे का राहु है, घर के अंदर में शांति ढूंढिए, कहीं गड़बड़ी है तो शांत कीजिए। 7th हाउस में आज गुरु और मंगल दोनों इकट्ठे हो गए, मंगल अभी नवजात हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री के मंगल हैं, और गुरु वहाँ जमे हुए हैं पहले से, तो मंगल और गुरु मित्र होते हैं तो इस घर को मीठा कर दिए, तो दाम्पत्य सुख जरूर मीठा हो सकता है, आप कड़े मत होइए। मंगल मने आप खुद हो मेष राशि। अष्टम भाव में सूरज और शुक्र है, तो सरकार से पंगा मत लो, थोड़ा भी पंगा मत लो, आप आयु फिर भी सुरक्षित है। नवम भाव में शनि और बुध है, ये थोड़ा सा कड़ा है, नवम भाव में होना नहीं चाहिए, लेकिन ये भगवान श्री राम को इंडिकेट कर रहे हैं इसलिए भाग्य के लिए अनुकूल है। 10th भाव में केतु है, कार्य में थोड़ी कठिनाई रहेगी, और 12th भाव में चंद्रमा है, मूवमेंट है टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, समय ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यदि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही तो भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान कर लेंगे। वृषभ राशि, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, अपनी दृष्टि पड़ रही है, मान मर्यादा रुतवा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, 3rd हाउस का राहु है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा रहे हैं, विजातीय लोग, दूसरे धर्मावलंबी लोग से आपको विशेष लाभ हो रहा है, जो लोग MNC में काम कर रहे हैं उनको और भी अच्छी बात है उनके साथ। 6th घर में गुरु मंगल हैं, शत्रु शांत हो रहे हैं, 7th हाउस में सूरज और शुक्र हैं, दाम्पत्य जीवन को मीठा बनाइए, नहीं तो तीता हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, मीठा बनाइए। 8th में शनि और बुध हैं, आयु सुरक्षित है, 9th हाउस में केतु है, गुरुजनों पर ध्यान रखिए, और यहाँ से 11th हाउस का चंद्रमा है, ये आपको लाभ दे रहा है, भाग्य दे रहा है, धन दे रहा है, कुछ पाने जा रहे हैं आप, जो भी हो, जो जिस शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी शिक्षा पाएंगे, रोगी हेल्थ पाएंगे, ये सारी चीज़ें जो जहाँ है जिस अवस्था में है उस अवस्था के अनुकूल आप कुछ पाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं, मान मर्यादा बढ़ेगी आपकी, ये सारी चीज़ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी समय लगभग 80 पैसा अनुकूल है। मिथुन राशि, थोड़ा मीठा बोल लीजिए, राहु सेकंड है, 1, 2, 3, 4 पांचवें घर में गुरु और मंगल है, बच्चे के लिए अच्छा समय आ गया, यहाँ से 6th घर में सूरज शुक्र हैं, सरकार से लाभ हो सकता है और समस्याएं भी शांत हो सकती हैं आपकी। 7th हाउस में शनि और बुध, मिठास डालना पड़ेगा दाम्पत्य सुख में। 8th हाउस में केतु है, पैर की सुरक्षा कीजिए, एक्सीडेंट का डर है, पानी में फिसलने का डर है आपको। और यहाँ से 8, 9, 10 में चंद्रमा है, ये मिठास है,
तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें सुविधा है, इज्जत है, मान मर्यादा है और सक्सेस रेट भी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय 80% तक आज अनुकूल है। मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि राहु है, विचलित तो मन होगा लेकिन सक्सेस आपका है। मन विचलित होगा लेकिन सक्सेस आपका है, यह तय है। 1, 2, 3, 4 चौथे घर में गुरु मंगल है, ये भी आनंद का विषय है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें में सूरज और शुक्र हैं, बाल बच्चों पर मीठे मिठास के साथ व्यवहार करें। यहाँ से छठे में शनि बुध है, शत्रुओं के ऊपर या समस्याओं के ऊपर में विजय हो रही है। 7th हाउस का केतु है, दाम्पत्य सुख में कहीं कांटे के ऐसा गड़ने वाली बातें चल रही हैं, खटास आ गई है, उसको बदलिए, मिठास में बदलिए आप। और यहाँ से 7, 8, 9 भाव में चंद्रमा है, भाग्य के लिए अनुकूल समय है। और गोरे लोगों से, मोटे लोगों से, उत्तर दिशा में आपके घर से उत्तर जो लोग रहते होंगे उनसे, तो कर्क राशि वालों के लिए भी समय बहुत अनुकूल है। आपका भी समय 80 पैसा अनुकूल है। सिंह राशि का सूरज आज यहाँ से चौथे घर में आ गए, 1, 2, 3, 4 सुख के घर में तो गया जरूर और शुक्र के साथ गया, तो भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करें आप। यदि आप कुछ बड़ी चीज पाना चाहते हैं तो, और ये थोड़ा लंबे अरसे तक करें आप, सिंह राशि वाले लोग। यहाँ से पंचम में शनि और बुध है, बच्चों के प्रति उदारता रखे। छठे का केतु है, समस्याएं घट रही हैं। अष्टम का चंद्रमा है, मन में चिंता भय रहेगा। 8, 9, 10, 11 में कोई ग्रह नहीं है तो चिंता आपको है, डिप्रेशन है, भय है, परेशानी है, उदासीनता है, कुछ तकलीफ है मन में, कुछ दुख है, कुछ भय है, ये है और ये सत्य है। और आपको इसको रूबरू होना पड़ेगा, दो चार होना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना होगा ईश्वर को साथ में रख करके। ये चंद्रमा मीन राशि में है तो ये भगवान विष्णु को इंडिकेट करते हैं, भगवान विष्णु जो समुद्र में सोए हुए हैं शेषनाग के ऊपर में, तो ऐसे भगवान विष्णु का, अनंत सागर में सोए हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें तो कुछ रिलीफ मिलेगी आपको। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, आपका समय उत्तर दिशा की यात्रा कम करें सिंह राशि वाले लोग, आपका समय भी 70 पैसे तक अनुकूल है। कन्या राशि बहुत बड़ा रिलीफ हुआ, बहुत 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 बड़ा रिलीफ हुआ, मंगल छोड़कर के आगे बढ़ गए, थोड़ी सी आपके दाहिनी आंख में प्रवेश किए, आपके बाहों में प्रवेश किए, लेकिन आपके शरीर से जहाँ आपका मूल तक पूरा शरीर जिसको ये डैमेज कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, वहाँ से निकल गए। तो शरीर जो क्लांत होता था वैसा अब नहीं रहेगा, अब उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जो भी आप मेडिसिन ले रहे होंगे या जो भी चीज़ कर रहे होंगे उससे आपके स्थिति हुई और सक्सेस रेट बढ़ गया आपका, ये अलग से बात हो गई। तो कन्या राशि के जितने लोग हैं इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए इसमें बहुत बढ़िया, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज और बढ़िया हो गया। तीसरे का सूरज शुक्र है, ये आपकी मर्यादा को बढ़ाए, पर्सनैलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ से 7वें का चंद्रमा है, मन में शांति हो सकती है। 11th का राहु है, विजातीय लोगों से, बाहरी लोगों से विशेष लाभ है, ये संभव है। तो कन्या राशि वालों के लिए इसमें बहुत अनुकूल है आज, आपके लिए 80 से 85 पैसा अनुकूल है। ऐसा नहीं हुए, कुछ तो गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी में आपका फिर गुरु और मंगल है, 2nd हाउस में है, तो मंगल आपका परम शत्रु है, धन के घर में चला गया, तो व्यर्थ के धन के खर्चे संभव है और व्यर्थ की बोली भी संभव है, अनावश्यक बात ना करें आप। तुला राशि में गुरु मंगल आ गए, आपकी मर्यादा बढ़ गई, आपके कीमत बढ़ गई, आपकी गरिमा बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, सामर्थ्य बढ़ गया। और शुक्र 2nd हाउस में सूरज के साथ है तो थोड़ी बोली मीठा कर लें, सूरज को गर्मी बोलते हैं, शुक्र आप खुद हो तो आप में गर्मी आ गई। और यहाँ से 3rd में शनि और बुध हैं, बहुत बहुत शुभ है, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा है आपके ऊपर में। और 3rd में पाप ग्रह शुभ होते हैं, बुध भी शुभ हो गए आपके लिए,
चौथे का केतु है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है घर के अंदर में, कहीं ना कहीं एक खटपट सी बात दिखती है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हाउस दिखता है, तो आप खुद ढूंढ लीजिए, शांत कीजिए और यहां से 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर का चंद्रमा है, समस्याएं शांत होंगी, चंद्रमा कमजोर हो गया, मन चिंतित हो जाएगा आपका, लेकिन समस्याएं शांत हो जाएंगी। और यहां से 7, 8, 9, 10 का राहु है, सक्सेस रेटिव भी बढ़ाएंगे आपका। तो तुला राशि वालों के लिए भी समय लगभग 80 से 85 पैसा अनुकूल है। वृश्चिक राशि में सूरज और शुक्र है और आपका जो ग्रह मंगल वो 12th हाउस में गुरु के साथ आ गया, थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा। यदि आपको अपने लक की कीमत चाहिए, परिश्रम के अनुसार आपको वजन चाहिए, आपकी गरिमा चाहिए, लाभ चाहिए, आपको सक्सेस रेट चाहिए, तो आपको थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी पश्चिम दिशा की ओर, वेस्टर्न साइड में। 2nd हाउस में शनि बुध हैं, थोड़ी सी मिठास चाहिए बोली में आपकी भी, सक्सेस चाहिए तो। 3रा का केतु सक्सेस दे ही रहा है आपका, और 5th भाव में चंद्रमा है, आपके बुद्धि का उपयोग होगा, ब्रेन का उपयोग होगा, आपकी बोली का उपयोग होगा, आपका कैलिवर का उपयोग होगा, और इसके कारण आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि लीगली गलत हो, इसलिए कि यहाँ से 9th हाउस में राहु है, जब भी 9th हाउस में राहु रहते हैं तो जीन की न प्रकार ना एक लीगल प्रॉब्लम छोटा ही सही आ जाता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, काजल की कोठरी में कैसे ही समायो, काजल की एक रेखा लाघे पे लाघे, उसी तरह से राहु जब 9th हाउस में आ जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लीगल चैप्टर खड़ा कर देता है, नीति अनीति अनैतिक भी चीजें खड़ा हो जाती है, तो वो ध्यान रखेंगे वृश्चिक राशि वाले लोग। यदि आप समझदार हैं तो, जो कि दिखता है कि आप समझदार हैं, इसलिए कि मंगल के साथ गुरु है, ज्ञान है, शालीनता है, महत्ता है, गरिमा है, सब कुछ है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसमें भी 80 पैसा निश्चित रूप से अनुकूल है। धनु राशि में शनि बुध है, भगवान रामचंद्र स्वयं खड़े हैं, 2nd हाउस की बोली आप मीठा कीजिए, 4th का चंद्रमा है, घर के अंदर में आनंद है। लेकिन ये जो चंद्रमा मीन राशि में है ना, इसको केम ध्रुव योग लगा हुआ है, देखिए इधर कोई ग्रह नहीं है, इधर कोई ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा आकाश में अकेले है, जैसे आकाश में एक पतंग है, उसको काट दीजिए सूता तो अपने डगमगाता गिरता है, तो उसी तरह से चंद्रमा जो है आकाश में अकेले, केम ध्रुव योग, बड़ा भयावह योग कहा गया है इसको एस्ट्रोलॉजी में, कि कोई एक ग्रह अकेला पड़ा हो और उसके 30 डिग्री बाद में भी कोई ग्रह नहीं हो, 30 डिग्री पीछे भी कोई ग्रह नहीं हो, तो बेचारा हो जाता है, लाचार हो जाता है, और इसके सामने में भी कोई ग्रह नहीं है, 180 डिग्री सामने में भी कोई ग्रह नहीं है, तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर और 180 डिग्री उधर कोई ग्रह नहीं हो, तो पूर्ण केमद्रुम योग बनता है। अति दुखिता होते हैं ना, दुखी होते हैं, जैसे कोई बच्चा जन्म लेगा तो सब कुछ सारा सुख होने के बाद भी ये बच्चे के अंदर में थोड़ा मानसिक क्लेश दुख की बात रहेगी आजीवन, तो माता पिता जब इसको लालन पालन करें तो उसी ढंग से आपको ग्रो उसको बच्चे को में अंदर में बुद्धिमत्ता ज्ञान मिठास डालनी पड़ेगी, जो सब चीज में मिठास ढूंढ पाए। धनु राशि वाले के लिए समय लगभग ठीक है आपका, 80 पैसे तक, सिर्फ इन्फेक्शन की बात दिखती है, पानी के इन्फेक्शन से बचेगा। मकर राशि केतु है, दिक्कत हो रही है, देखिए मैंने कहा मेरा भी है और मेरी स्थिति काफी नाजुक हो गया, आज आपके साथ खड़ा हूं, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की ही कृपा है और किसी की कृपा नहीं, मैं उसके लायक में नहीं था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु इज अ वेरी डेंजरस प्लैनेट, राहु को काट दिया भगवान ने, दो टुकड़ा हो गया, दूसरा कटा हुआ टुकड़ा केतु कहलाया,
तो केतु जिस जगह जाएगा वहां पर कुछ न कुछ इंजुरी, एक्सटर्नल इंजुरी देता है। एक सामान्य ज्ञान समझ के रख लीजिए आप, जैसे सेवंथ हाउस में जब केतु रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं शादी कटेगी, पति कटेंगे, दाम्पत्य जीवन कटेगा, उसको ऋषियों ने कह दिया द्विभार्या योग, एक पत्नी के बाद दूसरी पत्नी आए, पहली पत्नी कट जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए, विक्षोभ हो जाए, अलग हो जाए, तो केतु में थोड़ी दिक्कत है। ध्यान रखिएगा मकर राशि वाले लोग, बहुत ध्यान रखिए, केतु आपका ठीक नहीं और बहुत लंबा चलेगा। मेरे ऐसे लोग केतु के ही कारण जाएंगे ऊपर, मेरे एट्थ हाउस में भी केतु ही है, मीन राशि का सिंह लग्न है, मीन राशि में केतु है, जाना इसी केतु के जरिए है, अंगूठे के जरिए जाना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा समझ जाइए आप लोग भी, यहाँ से तीसरे का चंद्रमा है, मान मर्यादा रुतबा आपका ठीक है, सेवंथ हाउस का राहु है, मन में एकाकार कर लीजिए, कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करे, संदेह की दृष्टि से ना देखे, तो स्नेह प्रेम पूर्णतः बरकरार रहेगा। किसी दूसरे का शिकायत ना सुने, जो लोग दूसरे का शिकायत सुनते हैं वो दूसरे का शिकायत करते भी हैं, तो वो आपकी आत्मा पतित हो जाएगी। यहां से एकादश भाव में सूरज और शुक्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प पूरा होगा और धन की भी प्राप्ति की संभावना है, जिन किन प्रकार ना जिनको ये आने की संभावना दिखती हो उनकी बात बोला, बिजनेसमैन या जिनके पैसे डूब चुके हैं लौट नहीं रहे, तो आप इसमें थोड़ा फोन ऑन कर लीजिए ना, चेस कर लीजिए, लौटने की संभावना है। मकर राशि, शनि और बुध है द्वादश भाव में, पूर्व दिशा की यात्रा कम कर लीजिए आप, समय आपका भी 75 पैसा ही अनुकूल है। कुंभ राशि, समय आपका पूर्णतः ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट नाउ यू आर द लकीएस्ट पर्सन बिकॉज ऑफ द सैटर्न, सैटर्न ये सब दे रहे हैं। कहा गया है कि यदि शनि खराब हो अकेला तो बाकी 8 ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, सामर्थ्यहीन हो जाते हैं। एक कहावत है, देहाती कहावत है और इसमें सत्यता भी है। तो कुंभ राशि वाले लोग, यू आर लकी, भौतिक धरातल में सामाजिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप बहुत ऊपर उड़ सकते हो, चाहे आपकी राजनैतिक इच्छा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा हो, चाहे आप कृषक हो, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। जो व्यवसायी है, जो हवा का करते हैं कारोबार, जो प्लेन का कारोबार करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, उनके लिए तो समय लाभदायक है। और ऐसे लोग साइकिल में जो पंप डालते हैं उनके लिए भी है, जो गैस बेचते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत बढ़िया है, और रोग जो डील करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए तो 16 आना सुहागा है। तो कुंभ राशि के लिए समय ठीक है, आपकी बोली भी मीठी हो गई ऑलरेडी, 6th हाउस का राहु है, सारी समस्या आपकी घट रही है, आप विजातीय लोगों पर भी पूरा आप विश्वास कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। विजातीय मतलब आपका जो धर्म है उससे अलग धर्म के लोग, वो लोग भी आपको मदद करेंगे। और आपके 9th हाउस में गुरु और मंगल हैं, भाग्योदय की बात दिखती है, समय आपका बहुत अनुकूल है, 85 से 90 पैसे तक अनुकूल है कुंभ राशि वाले। मीन राशि में आज चंद्रमा आ गए, शीतलता आ गई, मिठास आ गए, शांति आ गई, आपको जो भी खटपट रहा होगा दिमाग में वो शांत हो गया, अच्छे समय आ गए, डिसीजन मेकिंग पावर आ गया, और मंगल जो अब तक आपको कष्ट दे रहे थे वो हट गए, बिल्कुल हट गए। तो उग्रता छोड़ दीजिए, शांत होकर के कुछ भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। यहाँ से पंचम भाव में राहु है, बच्चों के प्रति अभी भी नरमी बरतने का ही समय है, 7, 8, 9 भाव का सूरज और शुक्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प जरूर मिलेगी, 10th में शनि और बुध है, थोड़ी सी मिठास और थोड़ी सी नरमी अपने शरीर में आप लाइए, आपका समय
भी लगभग 80 पैसा अनुकूल है। तो ये तो राशियों की बात हुई। देश दुनिया में झारखंड के लिए समय अभी भी गड़बड़ है। सेकंड हाउस में राहु है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ निकल सकता है। जो अफसरों की बोल होगी उसमें तीखापन होगा, उसमें रहस्य होगा, उसमें झूठ होगा। 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में गुरु और मंगल हैं, छात्रों में उबाल होगा, बच्चों में उबाल होगा, शिक्षण संस्थान में गड़बड़ी होगी, उस सब जगह में थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है। और सरकारी पक्ष में भी कुछ गड़बड़ी है, लोग आपके विरुद्ध में हैं, सरकार के विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहा है। भारतवर्ष की कुंडली में तीसरे का राहु सक्सेस दे रहा है, छठे घर में गुरु मंगल हैं, शत्रु भी परास्त हो गए, चाहे वो हमारे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, जो भी हो, लोगों की गतिविधियां तो जारी रहेंगी लेकिन वो लोग भीतर भीतर शांत हो गए हैं। और 9th हाउस में शनि राहु है, थोड़ा सा भाग्य में कमी है जरूर, मतलब उतनी फास्ट में तरक्की नहीं हो सकती है जितना है। और इसके 10th भाव में शनि ही है, दृष्टि है, तो सरकार जो काम कर रही है उसमें सफलता की बात तो दिखती है। ये रही राशियों की बात भारतवर्ष और झारखंड की बात। देखिए किसी दिन में भारतवर्ष की पूरी कुंडली नए साल की क्या स्थिति होगी, दिन में इसको भी विवेचना कर दूंगा कि 1918 साल कैसा रहेगा सबों के लिए। लेकिन मैं बहुत पहले शनि के बारे में, हमने कहा था शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल, तो शनि तो वापस 26 अक्टूबर को आ गए कि 26 अक्टूबर से मूल नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में ये 2 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, 9 नंबर में रहते रहते, धनु राशि में रहते रहते। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण पूरा नहीं होगा, उसी में फिर वहाँ से वो लौट रहा है, फिर वहाँ से लौटेंगे वो 18 अप्रैल तक के आसपास लौटेंगे, फिर वहाँ से ये सीधा चलेंगे, वापस डायरेक्ट चलेंगे। तो ये शनि भी ऐसे सांप के ऐसे सर्पिले गति से चल रहे हैं। सीधे गति चलने से क्या मिलना है, उल्टे गति चलने से क्या मिलना है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी दिन। कारण कि शनि के बारे में मैंने जो भी कहा है पहले, वो थोड़ा और बहुत संक्षेप में हमने कहा है जानबूझ करके, उन दिनों भी शरीर में सामर्थ्य नहीं था। तो 1-2 मैरिज के लिए कुछ बात बता दे रहा हूँ आपको। रोज में उल्टी सीधी बात बोलता हूँ ना, आज शुभ बातें बता देता हूँ, आज मैरिज के लिए अच्छी बातें बता देता हूँ, लेकिन इससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता है। जो गलत बात बताऊँ, जो उसमें गलती होती है तो आप समझेंगे तो बच्चों की जान बच जाती है, उनके अंदर में उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, दुख से दूर हो जाते हैं। इसलिए निगेटिव वाली बातें मैं ज़्यादा बोलता हूँ ताकि बच्चे सुरक्षित हों। मुख्य बात होती है बच्चों को सुरक्षित रहना। देखिए 7th हाउस है ये पति हो तो पत्नी का घर है, पत्नी है तो पति का घर है। यदि इसमें सूरज है तो शुरू में तो लगता है कि ताप है, गर्मी है, तो खराब होना चाहिए। लेकिन यदि इसके साथ एक ग्रह शुक्र आ गया तो आनंदमय जीवन बीतेगा और दाम्पत्य सुख पूरा रहेगा। इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट ही कर लीजिए, कारण कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूं खोजने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा। यह चीज मान लो यहां पर गुरु है और यहां पर सूरज है, तब भी दाम्पत्य सुख ठीक है,
नोट कर लीजिए, झट झट नोट कीजिए आप। और यहाँ पर शुक्र हो, बुध हो और मंगल हो, ये डाउटफुल कंडीशन वाला है, लेकिन इसमें भी जीवन आनंदमय होता है, एकदम सुखी जीवन होता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसी में एक चीज बता देता हूं, जो अक्षरह कुंडली में मिल जाती है यहां पर चंद्रमा हो और इसी में राहु हो, यदि चंद्रमा और राहु इस घर में हो तो दाम्पत्य जीवन दुखी हो जाता है। और ये सही में कहा गया है प्रेत बाधा के कारण, प्रेत बाधा के कारण, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। प्रेत बाधा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा प्रेत कहलाती है, उसका बाधा। और वो तो हम लोग एकादशा के दिन वो प्रेत तो ऊपर चले जाते हैं, भगवान भेज देते हैं, जानवर प्रारंभ करते हैं, जमराज ले जाते हैं, तो प्रेत बाधा फिर कहां रहा। तो यूं होता है कि जितने दिन प्रेत धरती पर रहते हैं उतना दिन उनके अंदर में मोह ममता व्याप्त रहती है, तो ढूंढते रहते कि कैसे इस शरीर में मैं फिर से प्रवेश कर जाऊं। जो बोल रहा हूं अर्ध सत्य नहीं, वो सत्य है। तो नाक से, आंख से, कान से, शरीर के जिस अंग से भी प्रवेश करने की गुंजाइश होती है, कोशिश करते हैं, होता नहीं। इसीलिए हम लोग के यहाँ और प्रेत को दुख होता है। तो हमारे यहाँ नियम है कि मृत्यु के पश्चात यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े नेता मरे तो 7 दिन तक शोक मनाया जा रहा है, ताबूत रख करके उनके दर्शन के लिए। हम लोग तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस बेचारे को क्या हो रही होगी तकलीफ, वही जाने और परमात्मा जाने। भयंकर यातना से गुजर रहा होगा व्यक्ति, तो जब उस अपने शरीर में वो पुनः नहीं प्रवेश कर सकता है, तो उस ब्लड रिलेशन परिवार में जितने जितने गुतिया नहीं अपने हैं सब, उस परिवार में ढूंढने का कोशिश करते हैं कि मैं इसी परिवार में जन्म ले लूं। उतना भी नहीं होता है तो कोई यदि औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जान आने की संभावना रहती है, तो वो चाहते हैं कि मैं उस लेडी के शरीर में प्रवेश कर जाऊं। वो कान से, नाक से, आंख से चेष्टा करते हैं। तो जिस महीने में वो चेष्टा करते हैं और उस महीने में जो अंग बनता है वो विकृत हो जाता है। इसलिए बहुत सारा पोलियोग्रस्त बच्चे जो होते हैं, सारी एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस ठीक ठाक रहने के बाद भी बच्चे पोलियोग्रस्त होते हैं, वो प्रेत बाधा कहलाती है। जैसे तीसरे महीने में यदि वो प्रेत शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करे तो तीसरे महीने में अंकुर निकलने की बात आती है, तो जो शरीर निकलेगा उसमें थोड़ी सी डैमेज करने की प्रवृत्ति वायु के कारण हो जाती है, तो ये प्रेत बाधा कहलाती है। यद्यपि जो हम लोग प्रेत भूत समझ रहे हैं उस तरह की चीज नहीं है, वायु का स्वरूप है ये। इट इज अ विंड, इट इज एयर, इट इज अ कंडेंस्ड एयर विच ट्राइज टू एंटर इन टू द बॉडी। तो ये प्रेत बाधा है। और यदि हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल बात देखें, आध्यात्म छोड़ दें, तो राहु माने विष, पॉइजन, चंद्रमा माने मन। तो दाम्पत्य जीवन में राहु और चंद्रमा के प्रवेश करने से दाम्पत्य जीवन मन में दुखी रहता है दोनों को। तो आज यही तक, आज मैंने 4 टिप्स दिए, दूसरे और कुछ बता दूंगा।